इंद्रासन से पहुंचे, देखा सभी देव जा रहा है। पवन देव ने पहले झगड़ा किया और क्या किया है, शनि देव सोच रहा है कि मन अपने में सोचत और ये भैया जी राम समक्ष कठिन से एक मुद्रा का दान है। अरे मन अपने में सोचती क्या भैया, कठिना सनी के चक्कर मान। देखिए कौन देव ने झगड़े के लिए आई मोल ली, दीना सनी के चक्कर मार दे सनी देव बलवानी। पवन देव जी ने शनि देव के अपने पेट से टक्कर मार दी और जो टक्कर मारा तो शनिदेव पृथ्वी के ऊपर धराशायी हो गया। भैया कि शनिदेव धरनी धहराए, शनिदेव धरनी धहराए, भजदेव सभी मुस्काए। टक्कर मार करके पवन देव जी शनि देव के और निकल गए। शनि देव धरनी धहराए, हंसे रहे देव सभी मुस्काए, सारे देवता देवाल इनकी सभा के हंसने लगे। और जब सभी देवता हंसने लगे तो शनि को बड़ा शर्म महसूस हुई, शर्म महसूस हुई कि अरे मेरे नाम से संसार कांपता है, धर्म कांपे गगन लगे बड़ी संदेव के दर से, और किसे चाहे वही एक बूंद पानी के लिए हंसे, मेरे नाम से संसार कांपता है। रोक लेती है कोई आवाज चाहे जो कहा। शनि मन में विचार करता, अच्छा देवताओं हंस लो, आज तुम्हारा समय है और जब मेरा समय होगा तो सब होगा। शनि देव उठ करके खड़ा हुआ और चल रहा है कि मैं कैसा जाल बीनूं जो हनुमान की घिग्गी बन गई। शनिदेव चलते 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 चला जा रहा है, गंगा के किनारे पहुंचा, ऊंचा एक टीला देखा, उसी टीले के ऊपर बैठ गया गंगा के किनारे। वहां से विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहा। चंद्रकेतु गंगा के उस पार है नाव के इंतजार में और शनि गंगा के इस पार टीले पर बैठा है। अब उस शनि और चंद्रकेतु के बीच में तीसरा आ गया, थर्ड, तीसरा कौन आ गया, क्योंकि होनी या होनी से बचा न कोई, देह धरे नाचे सब कोई नहीं।
या होली से बचा न कोई और तेरे धरे नाचे सब कोई, नर नारायण चाहे कोई कोई, भगवान तक तो सारी बहन नाचे, इंसान को क्या कहा जाए भैया। अब आप विचार करेंगे भैया शास्त्री जी कैसे कह दिया सारी बहन के भगवान नाचे। जालंधर जब भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ा था, क्योंकि इसका नाम था प्रकाशुर, भस्मासुर जब पड़ा है शंकर जी के पीछे उसका नाम था प्रकाशुर, और जब भस्म होने का वरदान पा गया तो उसका नाम पड़ गया भस्मासुर। शंकर जी के पीछे लगा कि किसके मोबाइल है भैया, वहां से नहीं मतलब यहां से मतलब, गलती करे बजरवा मारा जाए बकरवा। तो देखिए भोला भागे झोला डाली दुश्मन लगा पिछाड़ी के आ रहे भैया, तो चला गया शांति से। भगवान भोलेनाथ ने जब प्रकाश उठाए तो वो भस्म होने का वरदान दिया तो शंकर जी के ऊपर हाथ उठाए दौड़ा करके उनकी पार्वती छीने के लिए, तो सोच समझ के वरदान भी देना चाहिए, इसीलिए तो देवता कलयुग वरदान नहीं देते होंगे, कहां देते। तो बताया गया कि जब शंकर जी के पीछे पड़ा भस्मासुर तो भोला भागे झोला डाली दुश्मन पूरा पूछा लिया, चले जा रहे भारत विश्लोक से श्रीहरि देखते कि अभी ना बचिए, जहां ये पकड़े पाजे जहां हाथ रखे तो अंदर भस, इसलिए अब हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। अच्छा देखो भैया, घर मालिक का आदेश है या रिक्वेस्ट दोनों चीज है कि भाई बहन माताएं बहने बालक बूढ़े ज्ञान बच्चे यार दोस्त मित्र बंधु बांधव भगवान की कथा श्रवण करने आने वाले भाई बहन माताएं बहने बालक बूढ़े ज्ञान बच्चे जो भी जहां से भी आए हो, भंडारा का प्रसाद चल रहा है, आप लोग जाके प्रसाद पा लें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भगवान के भंडारे का प्रसाद ना पाए, भले एक पूरी खाओ जाओ जाओ। माताओं कितने लोगों ने भी प्रसाद नहीं पाया, इतने हाथ उठाओ। देखा भी हमको गलत तो नहीं पूछा, मत बात यह है कि इतना एडवांस रहती है कि हमका इनसे हिसाब से बात करना पड़ता भाई, इसीलिए हमने पूछा कि बताओ भाई कितने लोगों ने भोजन नहीं किया प्रसाद समय पांच में। भैया सब तो ठीक है भैया, आप लोग सब लोग प्रसाद पाए हैं पाए हैं, अच्छा इसमें वो लोग हाथ खाओ जितने लोग भोजन पाए हैं। अरे वाह बहुत सही बहुत बहुत बेटू बैठ जाओ भाई, हमारे वकील साहब का कहना है कि जो हमारे आगंतुक भक्तगण आए हैं हो सकता निबंधन तो हमने सबको दिया लेकिन इतना बड़ा कार्य हो सकता धोखे में भैया किसी को सूचना न मिली हो, तो भगवान के भंडारे के प्रसाद में कभी निमंत्रण की का विचार न करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे तीर्थ वहां इन सब लोग बाप कहीं फैलाने जाते हैं, वहां मैं नहा ना वो उनके बाप करना समझ रहे हो, पाठशाला आप जैसे विचार करो फैलाने क्या लिखा हुआ स्कूल में थमाना जी चाहे ठीक है, और भगवान के भंडारे का जहां पर प्रसाद चल रहा हो, जहां पर भगवान के भंडारे का प्रसाद शुभारंभ हो, तो आप ये मत सोचे कि हमारा निमंत्रण हमको क्यों नहीं मिला, ना हमको भगवान के भंडारे का प्रसाद पाना है, आप प्रसाद समझ करके ग्रहण करेंगे।
तो जो भी भाई बहन माताएं बहने बालक बूढ़े जवान बच्चों यार दोस्त नाते रिश्तेदार मित्र रिश्तेदार जो भी है, अगर किसी ने प्रसाद ना पाया हो तो पात्र के जाकर के भंडारे का प्रसाद पा ले। और एक प्रमाणी दादा श्री राजी यादव जी त्रिपुरा से राजेश यादव गोटेदार भैया के सारू साहब जिनकी तरफ से 1001 मुद्रा का पावन दान भगवान के श्री चरणों में समर्पित है, आशीर्वाद की कामना है, परमात्मा सुख और शांति प्रदान करता रहे। और वकील साहब का हमारे कहना है कि जितने लोग पंडाल के समक्ष बैठे हैं और पंडाल के बाहर भी बैठे हैं, भोला चौका मां अरे अपने कही बात वापस ले ले। वकील साहब का कहना है कि जितने भक्त हमारे पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं, सबसे गर्भवती प्रार्थना है जब कथा का पारायण पूरा होगा तो सभी लोग चल करके वहीं पर प्रसाद पा करके तब अपने अपने घर जाएंगे। फिर से चाहे एक एक पूरी खाओ भी है। तो चार चीजें हमेशा याद रखो, आपको कभी धोखा नहीं खाओगे मास्टर साहब, चार चीजें खाओ पियो छको न, इतना खाओ कि छको न, खाओ पियो छको न, बोलो चलो पको न, खाओ पियो छको न और बोलो चलो पको न, चलो पियो थको न, भैया चलो पियो थको न और देखो भलो लेकिन पको न। चार चीजें मूल मंत्र है, इनका रखे लो अपने पास, आपको हमेशा काम देंगे। मालूम हुआ हम कठिनर में कथा कहें, सुबह कोई घर का महाराज जी चलो हम लोग यहाँ चाय पीते, तब आप विदा हुए और वहां नाम है चाय का घर देश का द्वारा भर रही। हम हो सोचा राम नरेश खैचो बहुत दिन से देखे नहीं है, बगल में दूसरा है कला महाराज जी हमारी देहरी में झाले वो के तुम्हारे पहुंचे तो फल बहुत भोरे भोरे जो भारी गिलास जब याद कर जगह दही वड़िया ने भट हुए का दूध अनादर करे पड़ी कि नहीं। इसलिए खाओ पियो छको इतना ये कि कहा भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो खाओ पियो छको ना, बोलो चलो बको ना, चलो भियो थको ना, देखो बोलो टको ना, सबको भोजन करना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा, धीरे लगा मन की बात नहीं है का, तो जो से लगा बोलिए सच्चे दरबार की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।